आपने पूरे हाथ को खोल के इस तरीके से बैठना है, पूरा पूरा ये मुष्टि अच्छी तरीके से बंद करके इस तरीके से रखते हैं, इस फिंगर को ऊपर रखना है, इस तरीके से वायतारी कमांड्स को दिया जाता है और कलरी में इसको प्रैक्टिस। इसकी थोड़ा और इंटेंसिटी पता चल रहा है तो आप इसको होल्ड करना है। सही क्या है, सही क्या है कि आपके जो पैर रखने के बाद नमस्कार, कोरोना वायरस के इस टाइम पे हम सब भारतीयों को जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सेल्फ क्वारंटाइन या अपने घरों में क्वारंटाइन रहने के लिए जो बोला है उस चीज़ को हम सबको पालन करनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू नो हम सबकी सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे कलरी केंद्रम भी काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट के बोलने से पहले से हम लोगों ने इसको बंद कर दिया था क्योंकि कलरीपायट एक इंडियन मार्शल आर्ट है और इसमें ज़्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट और दूसरे लोगों से टच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्लासेस को स्किप करा हुआ है। तो जिस तरीके से हमारे बच्चों ने कहा कि कुछ चीज़ें जो हम लोग घर पर रह के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबके लिए हम लोग कुछ चीज़ों को कलरी में किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और घर पे किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करके स्टेप बाय स्टेप थोरोली इस चीज़ को आपको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अंदर शुरुआती तौर पे एक बच्चा जब क्लासेस स्टार्ट करता है तो वो काल स्टार्ट करता है, वडिव स्टार्ट कर सकता है, वडिव के प्रयोग को स्टार्ट करता है, वडिव के मूवमेंट को स्टार्ट कर सकता है। अभी वडिव क्या होता है इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वडिव द वर्ड इट्स इसका जो मतलब है पोस्चर्स मतलब एनिमल पोस्चर्स। तो कलरी के अंदर प्रारंभिक तौर पे जो काफ़ी सारे एनिमल्स फाइटर्स होते हैं, कुछ जो मेजर जो एनिमल मूवमेंट्स हैं, एनिमल फाइट्स हैं जो कि ह्यूमन कर सकते हैं, उस चीज़ों को गुरुओं ने कलरी के अंदर इंक्लूड किया है कि ताकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उस एनिमल्स के मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करके एक अच्छे फाइटर को बन पाए। इसी वजह से कलरी के अंदर एनिमल पोस्चर्स को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अष्टवडिव, अष्ट मतलब आठ प्रकार के वडिव कलरी के अंदर एनिमल्स के मूवमेंट जो बताने जा रहे हैं वो है गजा वडिव। गजा मतलब एलिफेंट। गजा वडिव क्या होता है, किस तरीके से करना है और किस किस मूवमेंट पे उसको थोरोली ठीक करके हम उसको गजा वडिव को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गजा वडिव एक ऐसी मूवमेंट है, अगर उस एनिमल पोस्चर को जरा सा भी अगर हम गलत प्रैक्टिस करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो गजा वडिव को थोरोली उसके स्टैंडसा के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना है। तो उसको आज हम कैसे करना है करके आज हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, गजा वडिव एलिफेंट पोस्चर, राइट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखते हैं कि किस तरीके से आपका पैर होना चाहिए इसमें। जॉइनिंग आवर लेग्स, कंप्लीटली थोरोली जॉइनिंग योर लेग्स, ठीक है। अब इस पैर को आपको कंप्लीटली ओपन करना है और इस पैर को ओपन करने के बाद नेक्स्ट मूवमेंट, द फर्स्ट मूवमेंट इज दिस एंड द सेकेंड मूवमेंट इज दिस एंड देन स्टोडिंग अप, यानी कि आपके शोल्डर के बराबर ये पैर के मूवमेंट होना चाहिए। मैं एक बार आपको यहां से करके दिखाता हूं इसको, इसी तरीके से कंप्लीट जॉइनिंग दिस, ओपनिंग इट थोरोली एंड देन ओपनिंग इट कंप्लीट एंड देन स्ट्रेट अप। सो ये जो पोस्चर है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गजा वडिव को प्रैक्टिस करने से पहले या शुरू करने से पहले आपको ये जो मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया है ये थोरोली समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये गलत हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो अब आप बोलोगे कि गजा वडिव को करने से पहले हमेशा ये करना चाहिए, नहीं। शुरुआती तौर पे जब आपको जब पता नहीं है कि मेजरमेंट क्या है, जब आपको पता चल गया आप थोड़ी देर करने लग गए तो आप इसको थोरोली इस तरीके से स्टैंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शोल्डर के ये विड्थ के बराबर बहुत ज्यादा इस तरीके से होना नहीं चाहिए। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भैया कि इतना ही आपके पैर खुलने हैं। तो इस तरीके से गजा वडिव में ये जो पैरों का स्टैंड है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये एडी जो है अंदर नहीं होने चाहिए आपके, एडी बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं होने चाहिए आपके, एडी थोरोली
इसी तरीके से होना है, स्ट्रेट ही रहना है आपकी एड़िया, ठीक है। नेक्स्ट पोस्चर आता है अपर पोर्शन में, अब हम कैसे करेंगे, जॉइन कंप्लीट दिस, ये जो हाथ है कंप्लीटली दिस वे, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसे फ्रीली नहीं होने चाहिए, ये एक प्रयोग है, इसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ रखना है, इसको यानी कि आपके चेस्ट पोर्शन को, अपर पोर्शन को आप एक शील्ड बनाना है, आपको इस तरीके से रहना है। अब हम गजब वडिव में अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से जब भी हम लोग इस पोर्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राइट हैंड ऑलवेज इन, लेफ्ट ऑलवेज बार, यानी कि ये ब्लॉक एंड इस प्रयोग के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, इसलिए ये इस हाथ को यहाँ पे रखते हैं। ये कोई कलरी स्टाइल नहीं है, बट ये एक प्रोटेक्शन है अपनी ही बॉडी का, यानी कि ये जो हमारी बॉडी के जो चेस्ट पोर्शन है, ये वाले पोर्शन है, ये सारी बहुत ही ज़्यादा अगर हम किसी से अगर हमें मार पड़ता है या किसी का हिट लगता है तो काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं, तो इसको आपको बचा के रखना है हमेशा, कि इसमें इसीलिए हम लोग गजब वडिव में सब जो अपर पोर्शन है ये, लोअर पोर्शन मैंने आपको जैसे बताया था राइट ऐसे ही होना चाहिए, अपर पोर्शन ये है, तो इसमें आपने पूरे हाथ को खोल के इस तरीके से बैठना है। अब आप बोलोगे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे गजब वडिव के या गजब वडिव के फोटोज देखे होंगे आपने, लेकिन मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि गजब वडिव रॉन्गली करते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे रॉन्गली प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो रॉन्ग प्रैक्टिस करने का क्या तरीका क्या मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे पूरा डाउन हो गया ऐसे करते हैं, ये गलत है, कुछ लोगों के स्पाइनल कॉर्ड ऐसे डाउन रह के ऐसे करते हैं, ये गलत है, कुछ लोग ये हाथ को खोल के ऐसे करते हैं, ये गलत है, तो ये सारी चीजें गलत है। सही क्या है, सही क्या है कि आपके जो पैर रखने के बाद जब आप अमरछा, इसका जो मलयालम वर्ड है दैट्स कॉल्ड अमरछा, यानी कि अगर हम गजब वडिव को मलयालम में बोलेंगे अमरछे लेरुंग या अमरछा में बैठना, तो ये जो पोस्चर जो अमरछा में हम बैठेंगे, इस अमरछा में आने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो नीज है आपके, ये नीज कभी भी आगे धकेलना नहीं, ऐसे करके ये चीज हो रहा नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसको प्रैक्टिस करोगे आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी बॉडी की फिटनेस खराब हो जाएगी, ये कभी नहीं करना। तो दिस शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, दिस थिंग शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, एंड ये फिंगर्स अंदर की तरफ दबना चाहिए, और ये एडी जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही बाहर रहना चाहिए, और ये जो स्टैंसा है सिटिंग का, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही रहना है, और ये पूरी जोर आप दोगे हिप्स पे, पूरी जोर आप हिप जोन में दोगे, और इस तरीके से ये लोअर पोर्शन आपका होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, अब लोअर से ऊपर मिडिल पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, ये मिडिल ऐसे लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिडिल हमेशा स्ट्रेट रहना है, यानी स्पाइनल कॉर्ड कभी भी बेंड नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड ऑलवेज स्ट्रेट। आप इसको ऐसे करके ऊपर देख सकते हो ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं इसको, ये स्पाइनल कॉर्ड ऑलवेज स्ट्रेट एंड लुक ऑलवेज स्ट्रेट दिस वे। तो इस प्रक्रिया में आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है ये आपके हिप्स जोन में ही आना है, हिप्स में और थाइस में। इस तरीके से रहोगे तभी ये चीज आएगा, इसको इस तरीके से नीचे छोड़ना नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर ही रहना है, ऐसे ही देखना है। इसी गजब वडिव को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये जब आप अमरछा में जाने के बाद ये जो हैंड्स है ये मुष्टी अच्छी तरीके से बंद करके इस तरीके से रखते हैं, इस फिंगर को ऊपर रखना है तो रख सकते हो, ये जो हाथ हैंड्स आपके ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे, ये इस तरीके से छाती से क्लोज होके ये सीधे आना है, ये ऐसे नहीं रखना, ये छोड़ के नहीं रखना, ये हमेशा जॉइंट नहीं रहना है, कंप्लीटली जॉइंट रहना है। अगर यहाँ से भी देखोगे आप तो ये थोरोली जॉइंट रहना है इस तरीके, और कोशिश करना है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आगे की तरफ खींचे और ये स्ट्रेन पूरा मिले इस तरीके से। घर पे हो तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैसे लगेगा करके, आपको खुद इसको प्रैक्टिस करके देखना है, लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बताया है उसको आपको थोरोली ध्यान रखना है कि उसमें से एक भी पॉइंट अगर आपने गलत किया, पैर रखने का तरीका, नीज आगे धकेल दिए या एल्बोस को छोड़ दिए, स्पाइनल को सीधा नहीं रखा, इसमें से कुछ भी अगर आपने गलत किया तो आपको इस वडिव की जो गरिमा है या इस गडिव को करने से जो बॉडी में जो स्ट्रेन होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो व्हेन यू आर एट होम तो सबसे पहले तो आप इसको इसी वडिव में आने के बाद ये अगर
थोरोली अगर आप इसको पूरा करते हैं तो दोनों हाथ को यहाँ पे रखने के बाद जो ऊपर आए दोनों इसको ज्वाइन किए। अच्छा, इसमें एक और चीज ये ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से आते हो तो ये एल्बोज दोनों यहाँ पे ज्वाइन करना है, बॉडी आपका ऐसे टिल्ट रहेगा, ये दोनों एल्बोज आपके ये ज्वाइन होना है, यहाँ से ये स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट आने के बाद ये जो नमस्ते वाला पोस्चर है, स्ट्रेट आने के बाद ये जो नमस्ते वाला पोस्चर है ये नीचे की तरफ जाता है। फिर दोबारा देखिए, अब आप हाथ को देखेंगे तो यू कैन फील कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो सूंड है यानी कि जो उसका ट्रंक, एलिफेंट का जो ट्रंक है वो किस तरीके से मूव होता है वो आप फील कर सकते हैं। ये ज्वाइन किया आपने इसको यहाँ पे, ये यानी कि ये जो शेप है ये ऐसे ही आना है। तो जब आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये वाला मूवमेंट पे आके ही इसको प्रैक्टिस करोगे और इसकी थोड़ा और इंटेंसिटी पता चल रहा है तो आप इसको होल्ड करना है। ये एल शेप में होना चाहिए आपका ये लेग्स और ये यहाँ पे एल्बो पूरा ज्वाइन करके इसको आपको होल्ड करना है। होल्ड करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रेन लग रहा है। और जब आप इसको होल्ड करोगे तो आपके बैक में और स्पाइनल में और थाइस में, यानी कि थाइस में, बैक में और ये स्पाइनल कोड, इन तीनों जगह पे ही स्ट्रेन आना है। और कहीं भी अगर स्ट्रेन आ गया तो आप समझना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसी जगह पे स्ट्रेन आना है। ओके, तो अब जो आपने जो वडिव देखा है इसी वडिव को हम जब मूवमेंट को आगे पीछे, जब इसी सेम पोजिशन कर रहे हैं हमें लेकिन मूवमेंट लेके करना है हमें, ठीक है। ये शायरोन अब्राहम है, ये हमें करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है। ये स्पाइन इसी तरीके से ऊपर आना है, ये बाहर अंदर रहना है, ये इसी मूवमेंट पे ये चीज करना है। देख रहे हैं आप अभी अंदर इसी राइट पैर उठा के उस तरफ क्या मर्चा करो, ये एल शेप आना ही आना है, ध्यान रखना इस चीज का एल शेप। और ये स्पाइन ऐसे तरीके से आना है पूरी जोर, अब ये जो जोर है ये पूरी जोर यहीं पे ही लगना है। ये जो नीचे दबाते पर नीचे दबना नहीं, बनू पूरा ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरा पूरा ये। तो आप जब इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ये नीचे ही रहना है और ये स्पाइन थोड़ा सा ऊपर ऐसे ही आना है। इसको अगर जितना भी दबाए, अगर आप ना दबाओ और इसको होल्ड कर लो, जैसे मैं एक 80 किलो का आदमी हूं, अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के अगर खड़ा हो तब भी आपको ये होल्ड करना है, आपके बॉडी के वेट को होल्ड करना है। तो गजब वडिव की मूवमेंट को किस तरीके से आगे और पीछे जाना है, इसी सेम पोजिशन को आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ये आपको अभी देखना है। तो इसमें जो यूजुअली जब कलरी को, जब कलरी कलरी में प्रैक्टिस किया जाता है इस मार्शल आर्ट को, तो एक कमांड होता है जो कि मलयालम लैंग्वेज में होता है, इट्स कॉल्ड वाई तारी, ठीक है। सो किस तरीके से कलरी में इसको प्रैक्टिस करते हैं ये भी आप लोग समझ सकते हो इसी के साथ। एडे तो जल्दी करिए अमर्थ, देव एडे तो जल्दी करिए अमर्थ, इस तरीके से वायतारी कमांड्स को दिया जाता है और कलरी में इसको प्रैक्टिस। इसी गजब वडिव को यहां से आप पीछे भी जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी को आप आगे भी लेके इस तरीके से प्रैक्टिस हो। तो आगे जब जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट वाला पैर आगे जाना है, फिर ये राइट इसके पास जाना ही जाना है, ये इसी मूवमेंट है। ये मूवमेंट ऐसे क्यों है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें अगर मैं अभी आप बताऊंगा तो ये कवर नहीं हो पाएगा। तो आप बस अभी अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि ये लेफ्ट पैर आगे जाना है और राइट इसके पास से इधर, जब पीछे जाओगे तो राइट को उठा के पीछे रखना है इस तरीके से। तो इसको जब आगे आप पीछे जाओगे तो इसी तरीके से हाथ के मूवमेंट आपके जाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका जो कोर है, ये जो बैक बोन थाइस, आपके अंदर की जो एजिलिटी बढ़ाने के लिए। एवरी मार्शल आर्ट आप लोगों ने देखा होगा, सारे मार्शल आर्टिस्ट जो है अपने कमर बंद रखते हैं, यानी कि कमर में एक बेल्ट होता है, किसी जैसे कलरी में कलरी कच्चा सिस्टम होता है। तो ये जो जोन है इसको हमें थोरोली टाइट करके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि गजब वडिव जो है ये कोर एरिया को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस इन दिस वर्ल्ड आई कैन से। हेड बल्ड कर रहे मत, करिए हेड बल्ड कर रहे मत,
Good. इस तरीके से आगे पीछे, इस तरीके से आगे पीछे, जैसे दो कदम आगे दो कदम वहां से टर्न करने के बाद दो कदम वापस यहाँ पे, तो इस तरीके से आगे पीछे अगर आप 10 बार भी इसको कर लेते हैं दिन में तो काफी अच्छा एक वार्म अप हो जाता है आपका बॉडी में, एक हीटनेस आ जाता है और एक जो सुस्तपन है वो सब चला जाएगा। और मोर ओवर क्या है कि ये गजब वडिव का प्रयोग उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो जिनके बैक पेन रहते हैं, या अक्सर जो लोग बोलते हैं कि डिस्क में पेन है, ये डिस्क का पेन, बैक पेन, ये सब चीजें इस वजह से होता है ताकि उनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंप्लीट बॉडी में फ्लो अच्छा नहीं होता। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे कंप्लीट बॉडी में आपके थोरोली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, यू नो एक फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ों में ये गजब वडिव जो है बेनिफिट होता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखिए और इसको आप डेली बेस पे अगर इसको करेंगे तो यू कैन फील द चेंज इन अ वीक।